ये वीडियो टीचरों के लिए है। जो टीचर व्हाइट बोर्ड पर लाइटिंग का सेटअप करना चाहते हैं वो किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले लाइटिंग जो सेटअप होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले समझेंगे, उसके बाद सेटअप करना सीखेंगे, ठीक है कि नहीं। इसमें देखना है कि सबसे पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है व्हाइट बोर्ड पर लाइटिंग सेटअप करने में। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जो व्हाइट बोर्ड वाले होते हैं ना, व्हाइट बोर्ड पर जो सफ़ेद धब्बे होते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम आती है। दूसरे नंबर पर और क्या प्रॉब्लम आती है, आपकी शैडो हो गई। जैसे आप पढ़ा रहे हो तो आपकी परछाई व्हाइट बोर्ड पर पड़ रही है, ठीक है। नॉर्मल पढ़े तो वो एक अलग बात है, हद से ज़्यादा पड़ रही है। और तीसरी जो कंडीशन होती है इसमें वो होती है आपका फेस क्लियर नहीं दिखाई देता है, डार्कनेस दिखाई देती है। ऐसे ही आपके व्हाइट बोर्ड पर बहुत सारा डार्कनेस दिखाई देता है। इसके लिए क्या करने वाले हम, सबसे पहले जो एलईडी लाइट होती है बहुत ही सस्ते पैसों में हम व्हाइट बोर्ड का लाइटिंग सेटअप करने वाले हैं, ओके। इसमें सबसे पहले हम 4 फिट की एलईडी लाइट लेंगे, ओके, जो मैं यूज कर रहा हूँ। ये लाइटिंग सेटअप का एलईडी है, ठीक है। ये कितने वाट का है देखो ध्यान से, ये 50 वाट का, ओके। किस कंपनी का है, कंपनी का नाम हेग्जा। ये 50 वाट का एलईडी है, ऐसे आपको कम से कम 2 लेने हैं, ठीक है। 50 वाट का है और 2 लेने हैं। और आपको लेने से मतलब नहीं है कि किस एंगल में लगाना है, सबसे पहले ये देखना है आपको किस एंगल में ये लाइटिंग लगानी है। सबसे पहले जैसे आपका ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ओके, और जिस आपके सामने लगा हुआ है कैमरा, अगर सामने हम लाइटिंग लगाएंगे तो क्या होगा, जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और इस पर क्या दिखाई देगा, व्हाइट स्पॉट दिखाई देंगे, यानी कि सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे, तो प्रॉब्लम आपको होगी। फिर कैसी लाइटिंग लगानी है, अगर आप इस साइड में लगाते हैं और इस साइड में लगाते हैं तो कहीं तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर भी क्या होता है शैडो वगैरह लगती है, इधर शैडो बन रही है, इधर शैडो बन रही है, फिर भी प्रॉब्लम। तो हम पहले दिखाएंगे कि हमने किस प्रकार के एंगल में लाइटिंग का सेटअप किया, ठीक है, वीडियो के माध्यम से देखेंगे पहले, ओके। ये हमारा सेटअप दिख रहा है, फिलहाल में यही वाला हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपने देख रहे हैं इसमें एक तो लेफ्ट में लगी हुई है एलईडी लाइट जो है 4 फिट की है, एक राइट में लगी हुई है, ओके, और सामने वेबकैम लगा हुआ है। अगर लेफ्ट में लगी हुई है एक राइट में लगी हुई है तो इसको हम ऐसे उस हिसाब से रखेंगे कि हमारी शैडो व्हाइट बोर्ड पर ना पड़े, ना आगे ना पीछे, ठीक है। राइट साइड पर जो लगी हुई है वो 50 वाट की लगी हुई है, ऐसे ही लेफ्ट साइड पर जो लगी हुई है वो भी 50 वाट की लगी हुई है। इससे क्या आता है, इससे आपको बहुत ही अच्छी लाइटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, ओके। आपने देख लिया हमारा जो सेटअप है इस प्रकार से हो रहा है, ओके। जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी वो इसी सेटअप का है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। अगर किसी को सेटअप नहीं हो रहा है तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है, मोबाइल नंबर है 9897431204, इस पर कॉल करके भी पूछ सकता है। फिर भी आपसे सेटअप नहीं हो रहा है तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके सेटअप करा सकता है, ओके। अगर फिर भी डाउट रहता है या आपको गाइडेंस लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9897431204, ओके। इसमें और क्या प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम आती है कि टीचरों का जो लेफ्ट में राइट में लाइट लगाने के बाद फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो क्या होता है, उसमें लाइटिंग बढ़ानी पड़ेगी। मान के चलो एक एक रॉड लगाई है आपने लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, उसमें एक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एक साइड में 50 वाट और दूसरी साइड में भी 50 वाट, दो दो हो गई,
तो 100-100 वाट हो गई, ठीक है। और फिर भी मान के चलो, और भी टीचरों के क्वेश्चन होते हैं कि सर इसमें रूम के अंदर लाइटिंग कितने वाट की होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। कम से कम मिनिमम लाइटिंग होनी चाहिए 200 वाट, 200-200 कम से कम रूम के अंदर होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो आपका जो कैमरा है, चाहे DSLR हो, चाहे वेबकैम हो, चाहे वीडियो कैमरा हो, वो प्रॉपर तरीके से क्वालिटी नहीं देगा। जो मैं यूज कर रहा हूँ वो हमारा है Logitech C922, इससे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है, ठीक है, ओके। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो हमसे कांटेक्ट करके भी अपना वाइट बोर्ड का लाइटिंग सेटअप करा सकते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन होता है, सर वाइट बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड कैसे बनाया जाता है? वाइट बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड बनाया जा सकता है। अगर किसी को वाइट बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड बनवाना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम अपना नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ओके।